हेलो दोस्तों, वेलकम टू ALJ मोटर्स। मेरा नाम है वकब और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हीरो पैशन प्रो की सर्विसिंग। इस वीडियो में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और फरमान भाई जो हैं वो सर्विसिंग कर रहे हैं इस बाइक की। सबसे पहले इस बाइक को सीट हटाकर इसको अच्छे तरीके से धुल लिया है और उसके बाद अब इस बाइक को जो है प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बाइक प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। अब इसके बाद फरमान भाई नीचे से इसके इंजन का बोल्ट खोलकर और इसके अंदर जो भी इंजन ऑयल है उसे निकाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजन ऑयल कितना ज़्यादा काला है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। बल्कि इंजन ऑयल जो है हर सर्विस पे, हर 2000 किलोमीटर पे चेंज होता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फरमान भाई जो है इसका टूल किट वाला जो बॉक्स है उसे हटा रहे हैं। इसके अंदर आपकी टूल किट और मेडिकल किट होती है, जिसे फर्स्ट एड किट भी कहते हैं, तो इस बॉक्स को हटा रहे हैं ताकि कार्बोरेटर को जो है प्रॉपरली एक्सेस करा जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये बॉक्स जो है आप देख सकते हैं कि हट चुका है। अब फरमान भाई इसके कार्बोरेटर को खोल रहे हैं। कार्बोरेटर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से कार्बोरेटर फरमान भाई जो है निकाल चुके हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोरेटर को पूरी तरीके से निकाला जा चुका है। अब इस कार्बोरेटर को और खोल के और इसे साफ़ करा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कार्बोरेटर की एक प्रॉपर वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, पर आई बटन में आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। कार्बोरेटर के पार्ट्स के बारे में मैं उसमें बता चुका हूँ, कार्बोरेटर की क्लीनिंग के बारे में एक प्रॉपर वीडियो है, वो उसे आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी ही मैं आपको दे पाऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्बोरेटर फरमान भाई खोल चुके हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कार्बोरेटर जो जिस तरीके से आपको इसमें दिखाया जा रहा है और जितना खोल के दिखाया जा रहा है सिर्फ इतना ही आपको खोलना है। अगर आप इससे ज़्यादा खोलेंगे तो बाद में फिटिंग में आपको दिक्कत आएगी और आपका कार्बोरेटर जो है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो इसकी फ़िटिंग ही है। अगर आपने इसकी फ़िटिंग सही से कर ली तो कार्बोरेटर आपका बढ़िया चलेगा, और फिटिंग ख़राब हो गई तो कार्बोरेटर आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं फरमान भाई इसे पेट्रोल से अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं, और सेम इसी तरीके से आपको साफ़ करना है इसे। कोई ज़्यादा खुरदुड़ा वाला इसमें ब्रश वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, जो स्टील वगैरह के ब्रश आते हैं या फिर जो टाइट वाले ब्रश आते हैं उसे इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सॉफ्ट ब्रश से इसको अंदर से बाहर तक बिल्कुल सेम इसी तरीके से साफ़ करना है जैसा आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और दोस्तों इसे पेट्रोल से साफ़ करा जाएगा, पेट्रोल के अलावा किसी और चीज़ से साफ़ नहीं करा जाएगा, क्योंकि आपका जो कार्बोरेटर है वो पेट्रोल और एयर के मिक्सचर से ही काम करता है। तो बेहतर यही है कि इसे पेट्रोल और एयर के अलावा किसी और चीज़ से साफ़ ना करा जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेट्रोल से अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। अब यहाँ पर इसे एयर प्रेशर से अच्छी तरीके से इसे ड्राई करा जा रहा है ताकि अंदर कोई भी पेट्रोल जो है ना रह जाए, बल्कि सब कुछ ड्राई हो जाए। अब दोस्तों आप जैसे कि ये पिन देख सकते हैं, ये पिन जो है ये मिक्सर स्क्रू कहलाते हैं। जब आप इसे क्लीन करेंगे तो क्लीन करने के बाद इसके आर पार दिखना चाहिए, इसमें छेद होता है। एक तरफ से आप देखेंगे तो दूसरी तरफ का आपको बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, वो छेद जो है एकदम क्लियर क्लीन होना चाहिए। अगर वो क्लियर क्लीन नहीं है तो आपका जो कार्बोरेटर है वो सही से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये स्क्रू जो हैं ये एकदम क्लीन हो चुके हैं, अब इसकी फिटिंग हो रही है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसकी फ़िटिंग सेम ऐसे ही करनी है जैसे वीडियो में दिखाई जा रही है, इसे ज़्यादा फिट नहीं करना है और ना ही इसे ज़्यादा लूज़ रखना है। इसके बारे में पहले ही एक वीडियो बन चुकी है, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कार्बोरेटर क्लीनिंग समझ में आएगी, वरना ऐसे कार्बोरेटर क्लीनिंग नहीं समझ में आएगी। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोरेटर की फिटिंग हो रही है। यहाँ पर कार्बोरेटर की फ़िटिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। अब कार्बोरेटर को फरमान भाई ने कर दिया है साइड में। अब इसके बाद यहाँ पर एयर फिल्टर का जो चेंबर है उसे खोला जा रहा है और एयर फिल्टर को चेक करा जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं चेंबर खुल चुका है, इसके अंदर ये रहा एयर फिल्टर। ये दोस्तों पेपर वाला एयर फिल्टर है। तो दोस्तों पेपर वाला एयर फिल्टर को साफ करना बहुत ही आसान है। आप इस पे हाई एयर प्रेशर डालेंगे यानी कि फूंक मारेंगे या फिर हवा का जोर देंगे कि इसके अंदर जितनी भी धूल मिट्टी होती है वो बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप इसे दोबारा फिट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इसे हर 10,000 किलोमीटर पे जो है इस एयर फिल्टर को चेंज करना पड़ता है।
तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे फरमान भाई ने तो एयर फिल्टर हटा लिया है, उसके बाद एयर फिल्टर के अंदर का जो चेंबर है उसे साफ कर रहे हैं ताकि अंदर कोई भी धूल मिट्टी गंदगी वगैरह ना रहे। दोस्तों अगर चेंबर के अंदर धूल मिट्टी वगैरह कोई भी गंदगी रह जाएगी तो वो एयर फिल्टर को आपके गंदा कर देगी, और एयर फिल्टर अगर ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो उसके अंदर से होती हुई धूल मिट्टी आपके इंजन में चली जाएगी और इंजन की परफॉर्मेंस पे, इंजन की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, आपका इंजन भी ख़राब हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप एयर फिल्टर को भी अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद जो आपका एयर फिल्टर का चेंबर है उसे भी साफ़ कर लें। अब दोस्तों आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं फरमान भाई एयर फिल्टर को चेंज कर रहे हैं, तो यानी कि इस गाड़ी की जो अब सर्विस हो रही है वो 10,000 किलोमीटर एयर फिल्टर के लिए टाइम पूरा हो चुका है, यानी कि 10,000 किलोमीटर पर एयर फिल्टर चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पर एयर फिल्टर चेंज हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एयर फिल्टर को वापस से फिट करा जा रहा है, कुछ इस तरीके से इसे फिट करना है। फिटिंग इसकी हो चुकी है, अब इसके ऊपर चेंबर को भी स्क्रू से क्लोज करा जा रहा है। अब यहाँ पर कार्बोरेटर को वापस से फिट करा जा रहा है। उसके बाद कार्बोरेटर ये पूरा फिट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला यानी कि उल्टे हाथ की तरफ वाला जो चेंबर के ऊपर का कवर है इसे फिट करा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब टेपेट सेटिंग के लिए जो है यानी कि वॉल्व क्लियरेंस की जो सेटिंग होती है उसे करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये पोर्शन खोला गया है, और यहाँ पर इस पोर्शन के थ्रू जो कैमशाफ्ट है उसे टॉप डेड सेंटर की तरफ अब सेट करा जा रहा है। इससे क्या होगा, जो आपकी कैम है वो एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ पर वाल्व पे जो है कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं लगेगा। दोस्तों आपको टेपेट सेटिंग में ये ध्यान रखना है कि इसे सेट करना ज़रूरी है टॉप डेड सेंटर पे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो टेपेट सेटिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्व क्लियरेंस की जो सेटिंग है फरमान भाई वो कर रहे हैं। इसके लिए आप फिलर गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको टेपेट सेटिंग बता देता हूँ। इनटेक के लिए जो होती है 0.5 गेज होती है, और एग्जॉस्ट के लिए होती है 0.6 गेज। कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, इस बात का आप खास ध्यान रखें कि कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि टेपेट सेटिंग या फिर वॉल्व क्लियरेंस सेटिंग क्यों करी जाती है और कितने किलोमीटर पर करी जाती है। दोस्तों इसे करने का बहुत मेन रीज़न ये है कि आपकी गाड़ी या तो मॉर्निंग में सही से स्टार्ट नहीं हो रही है, आप एक बार में सेल्फ दे रहे हैं और स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो यानी कि आपके वॉल्व क्लियरेंस की दिक्कत हो सकती है। कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बट एक जो दिक्कत है वो ये भी है कि वॉल्व क्लियरेंस का गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए मॉर्निंग में जो है सुबह के वक्त आपकी गाड़ी दिक्कत करती है। या फिर आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी को जो पावर देना चाहिए वो पावर नहीं दे पा रही, वो पिकअप नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी भी एक वजह जो है आपकी टेपेट सेटिंग की हो सकती है। दोस्तों वॉल्व क्लियरेंस जो है आपका वो 5,000 से 10,000 किलोमीटर पे ज़रूर से ज़रूर चेक होना चाहिए। अगर चेक नहीं होता है और वॉल्व क्लियरेंस सही से सेट नहीं होता है तो आपका इंजन ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजन का, तो इसीलिए ज़रूर से ज़रूर चेक कराएँ। अब यहाँ पर जो है टूल किट वाला जो बॉक्स है उसे वापस से लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारा टेपेट सेटिंग वो हो चुकी है, उसके बाद हमारा कार्बोरेटर था वो भी क्लीन होके फिट हो चुका है, तो अब हमें ऊपर वाले पोर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे फरमान भाई ने इसका स्पार्क प्लग को निकाल लिया है, और अब स्पार्क प्लग को अच्छी तरीके से सैंड पेपर से साफ़ करा जाएगा। दोस्तों इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी वजह यह है कि ये जो स्पार्क प्लग है इसके अंदर एक स्पार्क निकलता है, एक चिंगारी निकलती है इंजन के अंदर जो पेट्रोल को जलाती है। मगर उससे क्या होता है, जब स्पार्क निकलता है और उसके आसपास की जो एयर होती है वो आयनाइज हो जाती है, उसके बाद इसके ऊपर जो है कार्बन जमा होता जाता है। अब उसका कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रोड को कम्प्लीटली ढक देता है, जिसकी वजह से ये एक तो करंट ज़्यादा पीता है, और उसके बाद जो फ्यूल को इसे जिस एफिशिएंसी के साथ जिस ताकत के साथ जलाना चाहिए उस ताकत से नहीं जला पाता, फ्यूल जो है सही से जल नहीं पाता। तो इससे दो बातें होती हैं, एक जो है आपका ये स्पार्क प्लग बैटरी से जो वोल्टेज है वो ज़्यादा लेता है, और उसके बाद जो आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो भी आपको सही से नहीं मिल पाता। तो माइलेज और बैटरी की हेल्थ के लिए इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसे किसी भी सैंड पेपर से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर लगा हुआ जितना भी कार्बन है वो सारा का सारा निकल जाए। और सैंड पेपर से इसे साफ़ करने के बाद आप चाहें तो इसे पेट्रोल से भी थोड़ा बहुत साफ़ कर सकते हैं, ताकि लास्ट में जो भी इसमें थोड़ा बहुत कार्बन बचा है वो भी कम्प्लीटली अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद आप इसे हाई एयर प्रेशर से ड्राई कर दीजिएगा ताकि कोई भी बारीक जो है कण उस पर रह ना जाए। उसके बाद आप इसे फिटिंग कर दीजिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो इसका कैप होता है इस कैप को भी अच्छी तरीके से आपको एयर प्रेशर से, हवा की तेज़ धार से
इस कैप को भी अंदर से बाहर से अच्छे से साफ़ करना है ताकि इसमें भी कोई कण ना रह जाए और जो करंट है बैटरी से जो करंट आ रहा है वो बिना किसी परेशानी के स्पार्क प्लग तक आसानी से पहुंच जाए। अब दोस्तों यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे इंजन ऑयल को जो है इस बाइक के अंदर डाला जा रहा है, इसके अंदर इस्तेमाल करा जा रहा है BSW 40। दोस्तों इंजन ऑयल हर 2000 किलोमीटर पे चेंज होता है और ज़्यादा किलोमीटर के लिए भी कुछ इंजन ऑयल आते हैं जो ज़्यादा किलोमीटर चल जाते हैं, बट मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो 2000 किलोमीटर वाला ही लोग यूज़ करते हैं और 2000 किलोमीटर पे उसे चेंज करा लेते हैं। दोस्तों इंजन ऑयल का जो परचेज़ लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मैं किसी भी कंपनी को रिकमेंड नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी का इंजन ऑयल परचेज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं चेन का लुब्रिकेशन हो रहा है और अब चेन का लुब्रिकेशन होने के बाद यहाँ पे चेन कवर को वापस से ढका जा रहा है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पिछला वाला जो रियर ड्रम ब्रेक है उसे खोला जा रहा है और अब इसे जो है सैंड पेपर से अच्छे तरीके से साफ करा जाएगा। तो सबसे पहले इसे जो है हाई एयर प्रेशर से इसके ऊपर की जितनी भी धूल मिट्टी है पहले इसे हटा लिए, उसके बाद सैंड पेपर से इसके व्हील के अंदर का पोर्शन भी क्लीन कर दिए और ब्रेक पैड्स को भी सैंड पेपर से क्लीन करके और उसके बाद इस तरीके से कुछ फिटिंग कर दीजिए। दोस्तों क्या होता है कि जो ड्रम ब्रेक होते हैं वो चलते चलते इनका ब्रेक पैड जो होते हैं वो पॉलिश्ड हो जाते हैं, यानी कि चिकने हो जाते हैं। चिकना होने की वजह से जो उनकी ग्रिप बननी चाहिए पहिए के अंदर वो ग्रिप नहीं बन पाती और ब्रेक जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाते। तो सैंड पेपर से इसे क्लीन करने के बाद इन ब्रेक पैड्स को क्या होगा कि ये थोड़े बहुत खुरदड़े हो जाएंगे और जो ग्रिप बनाना चाहिए इन्हें व्हील्स के अंदर वो ग्रिप ये बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर रियर वाला व्हील की जो ब्रेक पैड हैं वो क्लीन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेटर का ये वाला पोर्शन खोला जा रहा है। अब इसके अंदर इंजन ऑयल डाला जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इंजन ऑयल डालने का इसमें मकसद ये है कि जो एक्सेलरेटर है अगर वो टाइट काम कर रहा है तो इंजन ऑयल डालने से और उसके बाद जो एक्सेलरेटर है वो आपका थोड़ा बहुत लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेटर का तो काम हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसे क्लोज करा जा रहा है, एक्सेलरेटर का पोर्शन तो हो गया है क्लोज। अब यहाँ पर जो है क्लच वायर को क्लीन करा जा रहा है। दोस्तों क्लच वायर का इस्तेमाल जब होता है तो क्लच वायर के अंदर धूल मिट्टी वगैरह बैठ जाती है जिसकी वजह से क्लच जो है वो टाइट काम करने लगता है। तो इसको लूज करने के लिए इसके लिए एक क्लच वायर क्लीनर करके एक स्प्रे आता है, चाहे तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप जो है डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजल को आपको कुछ इस तरीके से इसके अंदर डालना है इस वायर के अंदर और उसके बाद आपको इसे कुछ इस तरीके से अंदर बाहर करना है वायर को ताकि जो डीजल है वो अंदर पूरी तरीके से चला जाए। उसके बाद हाई एयर प्रेशर से हवा के तेज़ झोंके से आपको इसे साफ़ करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे की तरफ कुछ बौछार स्प्रिंकल्स टाइप निकल रही हैं, वो बल्कि वही डीजल है जो ऊपर से डाला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी तो बाइक की सर्विस हो गई है, अभी आगे का व्हील बाकी है और फरमान भाई ने इसमें गद्दी लगा दी है, सीट लगा दी है। अब इसे फरमान भाई दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पे इस बाइक का जो फ्रंट वाला व्हील है अब इसके ब्रेक पैड्स को क्लीन करा जाएगा। जब ब्रेक का हम इस्तेमाल करते हैं तो जो इसके ब्रेक पैड होते हैं वो घिस जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, पॉलिश्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रिप सही से नहीं ले पाते। सैंड पेपर से क्लीन करने से इसकी जो ग्रिप है वो वापस आ जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्यों पसंद आई या फिर क्यों पसंद नहीं आई। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करें। ने जैसे कि देखा कितनी ढेर सारी इसमें धूल मिट्टी निकली है, यही धूल मिट्टी आपके ब्रेक पैड को भी ख़राब करती है। तो यहाँ ब्रेक पैड अच्छी तरीके से हो चुका है साफ और इसकी अब ये हो चुकी है फिटिंग। अब ये ब्रेक पैड कोई दिक्कत नहीं करेगा, सही सही ये ब्रेक बाइक अब लेगी। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी थी, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, इस तरीके से आप अपनी बाइक की सर्विस कर सकते हैं। और कार्बोरेटर की वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें, उसमें पूरी तरीके से अच्छे से समझाया है कि कार्बोरेटर किस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।